जय हिंद, आप सभी का हेडलाइन भोजपुरी में स्वागत है। अभी हम संगम स्टूडियो में आ चुके हैं और यहाँ पर शिवानी सिंह जो काफ़ी वायरल गर्ल हैं, इनका काफ़ी ज़्यादा सॉन्ग बड़े बड़े स्टार के साथ ड्यूट आ रहा है। प्रमोद प्रेमी यादव हो या खेसारी लाल यादव हो, सभी के साथ ये इनका ड्यूट सॉन्ग आ रहा है। और अभी हम जेपी तिवारी यानी जो यहाँ के कर्ता धरता है उन्हीं के पास पहुँचते हैं संगम स्टूडियो। आइए आपको पूरे स्टूडियो का रूबरू कराते हैं और जेपी तिवारी से भी रूबरू कराते हैं। क्या कहना चाहते हो? ये देख सकते हैं बोर्ड संगम रिकॉर्डिंग स्टूडियो है और यहाँ पर आप सभी को ऑडियो और वीडियो दोनों बनाया जाता है। आप यहाँ पर संपर्क कर सकते हैं। आइए पूरा डिटेल में आप सभी को ले। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि यहाँ पर काफी लोग संगम स्टूडियो ढूंढ रहे हैं और शिवानी सिंह को लेकर काफी लोग परेशान हैं कि कैसे उनसे वीडियो बनवाया जाए, कैसे उनसे ऑडियो या ट्वीट करवाया जाए। तो आप सभी को बता दूं, ये बक्सर में स्टूडियो है और इसका पूरा पता आप यहाँ पर दे सकते हैं, जासो रोड नियर पेट्रोल पंप पोखरा बक्सर, यानी गोलम्बर से मात्र ये लगभग 400 मीटर 500 मीटर की दूरी पर स्थित है ये स्टूडियो और बहुत ही बेहतरीन स्टूडियो है। आए पूरे स्टूडियो आप सभी को दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी ये देख सकते हैं किस तरह से गाने बजाने का सामान रखा हुआ है और यहाँ पर अभी लोग प्रैक्टिस कर रहे थे। आइए मैं आप सभी को यहाँ के कर्ता धर्ता जेपी तिवारी जी से रूबरू कराते हैं। यहाँ पर बहुत बढ़िया। ये बताइए कि काफी ज्यादा यहाँ पर ड्यूट हो रहा है, क्या प्रोग्राम चल रहा है? मेरा ज्यादा सवाल नहीं होगा, मेरा एक ही सवाल होगा, क्या ये बताइए कि आपने कसम खाया है कि स्टार इसी स्टूडियो से निकलेंगे? ऐसा कुछ नहीं कि स्टार, लेकिन इतना है, इतना जरूर मन में ठाने हैं कि जितने नए कलाकार हैं उभरता उसको मौका, उस पर मेहनत करेंगे। तो मतलब कि एकदम फाइनल है कि और भी कोई कलाकार रखे कि छिपा के सिर्फ एक ही रखे थे? बहुत से कलाकार थे, बहुत से कलाकार यार, बहुत से हैं, तीन चार लड़की भी है। अच्छा, बहुत अच्छा अच्छा गाती है। तो मतलब कि शिल्पी राज टू है कि यहाँ पर अंतरा सिंह भी तू है या कल्पना चाह? नहीं, सबका अपना अपना क्वालिटी है, सब अपना अपना टैलेंट। शिवानी भी ऐसा नहीं कि शिल्पी टू, भले पब्लिक जो कह रही है मानना पड़ेगा, शिल्पी की छोटी बहन कह रही है, कह रही है। मैं आप सभी को बता दूं, ये वही जेपी तिवारी हैं, इनको आप कम मत समझिएगा, ये ऑलराउंडर हैं, ये सिंगिंग भी कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग आप देख रहे हैं, रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, म्यूजिक डायरेक्टर भी हैं और आप देख रहे हैं कि स्टार यहाँ से तो निकल ही रहे हैं। ये बताइए सर, आपने कसम खाया है कि सब चीज आप ही करेंगे मजबूरी में? देखिए, पहले बात है कि हम बहुत से ठोकर खाए जी, प्यार वाला की वजह से हर स्टूडियो में कितना तकलीफ होता था हम झेले हुए जी, कोई स्टूडियो हमसे बाकी नहीं। हर स्टूडियो में गए, हर स्टूडियो का जो भी है लवलू जो है, हर स्टूडियो में जितना परेशानी होता था वही परेशानी हम नहीं चाहते कोई कलाकार को। इसीलिए आपने कसम खाया कि मतलब जो सारा हम ही देख लेंगे, पूरा भोजपुरी बिल्कुल देखेंगे और प्रयास भी करते हैं ज्यादा से ज्यादा, और नया से नया प्रयास करते हैं। हर कलाकार जो भी आता है मेरे यहाँ सबको बोलते हैं फोक से फोक उठाओ, माटी का चीज गाओ। तो एक भोजपुरी दर्शकों के लिए आप एक माटी का थोड़ा सा गीत? अरे माटी के गीत आओ, इस तरह के मजे खोज भोजपुरी दर्शकों के लिए। पूरी में माटी के हमने के सबसे खास माने ये पूर्वी जी जी। आप अंदर आ जाइए, यहाँ पर दिखाइए कितने सारे लोग, अभी काफी जेपी जी बहुत ज्यादा व्यस्त हैं, मुश्किल से टाइम निकाल पाए हैं। और देखिए जितने भी कलाकार हैं सब जी जी, हमारा अविनाश पांडे बजरंगी बहुत अच्छा गीतकार, अमितेंद्र जी सब, अभय जी, सोनू संगम जी वही हैं जो कोने पर बैठे जी जी, इनका गीत बहुत सारा है जी, हिट में अभी हम कुछ राजा भी गाए हैं। हाँ हाँ, नाम सुने हैं, प्रमोद प्रेमी जी भी गाए हैं। अच्छा ये बताइए, हम इनसे खास कर अभी बात करेंगे, पहले ये बताइए आप थोड़ा सा दर्शकों के लिए गीत हो जाए आपका। ठीक है जी, देखिए एगो मेहरारू अपने घर में तंग आ गई है जी, बैठू लगली मेहरारू अपना घर में तंग आ गई है, सास देवर सबसे मेरे परेशान भी है जी जी, अपने मरद से कहती है देखी कि तो हमारे के नैहर पहुँचा दी ना तो माँ हो जाएगी जी, तो भाव लगे कैसे कहती कि नहीं हर पहुंचा दी ए बालो,
दूर बाटे रौरे कारो भइल बानी बाउर गलती राउर बाटे रौरे ठीक रहती हमारे के रुकता ना मारी जी बहुत सुंदर था ये बताइए जी और प्रयास यही करते हैं कि बात बहुत जब भी गायक बा नया से नया ब्रांडेड चीज गाओ चुरावे लगे चुरावे तो तू गाओ नया जी ये चुराने के बाद किस पर बोल रहे हैं खुद को बोल दो बहुत भैया भैया आज गाना कोई गा रहा है तुरंत कॉपी कर रहा है हम लोग को फर्क नहीं पड़ता है हम चाहते हैं गाओ मेरा जितना गाना है लेकिन हम नया करेंगे Yes. अच्छा ये बताइए कि आप टैलेंट को कैसे पहचान लेते हैं कैसे कोयले में से सोना निकालने की हीरा निकालने की काबिलियत है टैलेंट मेहनत खोल दीजिए इसको हर कलाकार जिसके अंदर जुनून होता है गायकी का उसको देखो उसको फर्क मिल जाता है कि हाँ इसके अंदर जुनून है शिवानी ऐसे शिवानी नहीं हुई है इतने छोटी से 24 घंटा हारमोनिया ढोलक बजा के हर तरीके से ईश्वर ये पूरा डिटेल बताइए ये पूरा दर्शकों को पता होना चाहिए दर्शकों को ये सब बातें पता होनी चाहिए कोई कितना मेहनत से ऊपर आ रहा है और उस लड़की के अंदर उतना टैलेंट था जी बस बाहर निकालना था उसको वो आपने काम किया जी रात रात भर उसको हारमोनियम पे रियाज कराया है फिर भी पीछे नहीं हटती थी हम सो जाते थे भैया जब उठिए ऐसे लगा अच्छा ये बताइए भैया कि यहाँ पर अभी कितना आप व्यस्त चल रहे हैं अब बहुत व्यस्त कि आप समझिए कि काम छोड़ के रूप से बात करते नहीं इतना समय 24 घंटा मेरा सिस्टम बंद नहीं होता है दूसरा स्टूडियो भी ओपन होने वाला है अच्छा ये देखिए काफी आप फिट नजर आ रहे हैं इसका क्या है फिट का अभी तो और फिट हो गया फिट क्या कहा है अच्छा ये बताइए कि अभी मात्र शिवानी सिंह जी प्रमोद प्रेमी यादव खेसारी लाल यादव के साथ साथ और भी कोई बड़ा स्टार जैसे पावर स्टार के साथ आया है अभी क्या अच्छा और पावर स्टार के साथ कब आने वाले हैं वो भी आएगा माता रानी का आशीर्वाद होगा तो जरूर तो दिलदार है खाना क्या है कौन भी है नजर उठा के देखने के बाद बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे तो मौका देते हैं सर हर नए कलाकार को देखिए मौका दिया है शिवानी को भी मौका मिलेगा जरूर बहुत अच्छा ये बताइए कि अभी यहाँ पर थोड़ा इस सब के बारे में बताइए कि इतना सारा सामान रखे हैं थोड़ा इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में ये तो सब देखिए रिकॉर्डिंग सिस्टम है इसमें सब ये साउंड का मॉनिटर है तो देख लीजिए यहीं पर शिवानी सिंह जी का संगम स्टूडियो है यहीं पर रिकॉर्डिंग होता रहता है अभी जैसे दर्शकों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे दर्शकों को यही कहेंगे कि जितना भी गाना जा रहा है हर कलाकार को प्रेम कीजिए हर कलाकार के प्यार दो भाई एकदम तहनिये के ऊपर हमने के बनी जाए हमने के अपना से नया प्रयास कर दिया मेहनत कर दी जा जितना कलाकार बने देखिए हमारा बैचलर कलाकार है प्रमोद प्रेमी जी हम और ये साथ में क्या कलाकार मिथिलेश प्रेमी जी आइए कुछ मिथिलेश प्रेमी जी से भी बात करते हैं कैसे हैं भैया सब बढ़िया है नमस्कार प्रणाम आप सभी को अच्छा ये बताइए कि स्टूडियो में आप यहाँ पर मौजूद हैं क्या सर गाना का रिकॉर्डिंग चल रहा है कितने गानों का यहाँ पर रिकॉर्डिंग चल रहा है आज हम तीन दिन से यहीं पर हैं तीन दिन से यहीं पर तीन दिन से काफी इनके सन्निधि में काम हो रहा है काफी प्रेम है संगीत साहब पूछिए मत ये कितना प्रेम है दर्शकों को बता ही दीजिए गाने के माध्यम से बहुत प्रेम है एक दर्शक को दर्शकों के लिए गाने के माध्यम से थोड़ा सा कौन सा गाना विचार करके नया गाना आया है मेरा अभी आने वाला है सावन का भी आया है कि नया आने वाला है कि चैनल भी है मेरा ऑफिशियल भी चैनल है मिथिलेश सिंह प्रेम ऑफिशियल आप सभी श्रोता बंधु से रिक्वेस्ट है जाइए ऑफिशियल पर और मेरा गाना सुनिए और उस पर गाना है गाए हैं अभी आने वाला है कि जो भी है चल रहा था मोदी जी का नौकरी वाला जी जी बना दीजिए थोड़ा सा गाना भी रिलीज नहीं ना हुआ है हर की 4 साल में हो जाए बेकार रिटायर सरकार को दी थप कौड़ी के करी हर रोजगार रिटायर सरकार को दी जी बहुत सुंदर गाना है ये मोदी जी ने एक टिप्पणी किया था पकौड़ी को लेकर उसी पर गाना बनाया है जी जी नहीं देखिए ये ऐसा नहीं देखिए सरकार भी पक्ष में है और जो हम लोग है मजान साथ है उसके पक्ष में तो ये थे हमारे मिथिलेश प्रेमी जी आप सभी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए ये है संगम स्टूडियो यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही शानदार काम होता है अभी जेपी सर काफी व्यस्त भी हैं तो आप लोग यहाँ पर आइए और शिवानी सिंह के साथ ट्वीट कीजिए और यहाँ पर अपना अपना गाना जरूर बनवाए आप सभी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए कैमरामैन संदीप दीवाना के साथ आपका भाई रवि जय हिंद